शाम 7 बजे नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण होगा। जीतन राम मांझी हम पार्टी के सर्वे सर्वा, जिनके 4 विधायक हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर पहले खबर ये भी सामने आई थी कि जीतन राम मांझी अपने 2 विधायकों को मंत्री बनवाना चाहते हैं। ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। पहली शाम को श्री केजरीवाल जी के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा। कांग्रेस के उसी कोकस ने एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया। यद्यपि श्री खड़के जी ने बाद में उसको खुद ही अस्वीकार कर दिया। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व थे इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में रोड़ा हैं और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया जो टिकट बंटवारे का था। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं, ग्रास रूट पे उनका काम है, साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था। और कैसे ये नेतृत्व हड़पना चाहते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो कांग्रेस के राज हैं, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और आसाम में किसी भी पार्टी के साथ सीटों की कोई तालमेल नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी और जो क्षेत्रीय दलों के द्वारा जो अर्जित की गई राजनीतिक भूमि है उस पर डाका डालने के लिए डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से हिस्सेदारी मांग रहे हैं। यूपी, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, वहाँ उनकी यूपी 1 सीट, बिहार 1 सीट और पश्चिमी बंगाल 2 सीट, महाराष्ट्र 1 सीट, 2 या 3 सीट तमिलनाडु, और सब जगह इनकी डिस्प्रोपोर्शनेट डिमांड है। और इसलिए गठबंधन हमारे साथ भी नहीं हो पाया और ना इन दलों के साथ होगा। मैं श्री अखिलेश यादव जी के उस बयान से सहमति रखता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि वार्ता पहले से ही शुरू करके सीटों की तालमेल पर करनी चाहिए थी। हम संयुक्त लोकदल में रहे हैं, जनता दल में रहे हैं, सपा भी जिसमें हिस्से थी, आधा दर्जन MLA राजस्थान में, आधा दर्जन MLA मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में तमाम लोक दल का राजकाज हुआ करता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सबको नीचा दिखा करके इसको हड़पना चाहता है। हमें अफसोस है और राहत भी है कि जो इंडिया गठबंधन का निर्माता था, जो पहला संयोजक था, आज उन्होंने और जनता दल यू ने इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है और NDA के गठबंधन में हम आज से शामिल हैं। 27 सितंबर 2022, अब से 1.5 साल पहले चौधरी देवीलाल जी की जयंती थी हिसार में, उसमें मैं भी नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी यादव जी के साथ उपस्थित था। जितने भी वहाँ पर नेता थे सबसे नीतीश कुमार जी ने निजी तौर पर हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन में
शामिल करो। हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई। ये पार्टी अछूत हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, समाजवादी पार्टी ऑफ अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव की पार्टी, इन सब ने गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी मोर्चे बनाने के प्रयास किए थे इसी प्रस्ताव को लेकर के। तो केसी त्यागी को आप सुन रहे थे, जेडीयू के महासचिव हैं और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की हीला हवाली को वो इस फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, ये खास बात है कि जेडीयू और बीजेपी के तरफ से जो वजहें दी गई हैं इस इस्तीफे के पीछे वो अलग अलग हैं। गिरिराज सिंह को हमने सुना, वो आरजेडी को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए कि भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मंशा पर काम हो रहा था, इसलिए ये फैसला लिया गया। केसी त्यागी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, जिसको जो सूट कर रहा है, जो बीजेपी को सूट कर रहा है, बीजेपी के निशाने पे आरजेडी है। और अगर आप देखिए, केसी त्यागी जो कह रहे हैं वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, और नीतीश कुमार ने भी इशारों में दोनों तरफ की बातें कही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से लेथार्जी थी, सीट शेयरिंग पर गतिरोध बना हुआ था, और फिर यहाँ बिहार में जो उनके मुख्य सहयोगी दल थे आरजेडी, उनके साथ काम करना कैसे मुश्किल हो रहा था, उस वजह को गिनाते हुए सभी नेता अपने अपने हिसाब से कह सकते हैं कि जिसने जो देखा अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि आखिर ये गठबंधन क्यों टूटा और बीजेपी के साथ जेडीयू क्यों गई है।